पिछले क्लास में आपने देखा कूलिंग सिस्टम किस ढंग से हमारा डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन ये ठंडा होता है, ये हाई स्पीड में चलता है तो इसमें इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को कम करने के लिए और भी टेम्परेचर रखने के लिए क्या करते हैं इसको, है ना, एयर कूल या वाटर कूल लिक्विड कूलिंग सिस्टम से इसको ठंडा करते हैं। आज हम लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि किस ढंग से हमारा इंजन वर्क करते रहने से हीट हो जाता है और उसे हम कैसे, है ना, लुब्रिकेट करते हैं। मूविंग पार्ट्स है जो उसका पार्ट्स घूम रहा है, घर्षण हो रहा है, तो कम से कम उसमें घर्षण हो, वो स्मूथली वो चलता रहे, तो किस ढंग से उसको हम लुब्रिकेट करते हैं। कई तरह के लुब्रिकेंट्स हैं, मैं बारी बारी से सबकी चर्चा करूँगा। तो इसकी आवश्यकता क्या है, कूलिंग सिस्टम की इंजन में आवश्यकता क्या है, कार्य करते रहने से इसका मूविंग पार्ट्स, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, इस मूविंग पार्ट्स को में कम से कम फ्रिक्शन हो और ये स्मूथली चलता रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसमें बहुत सारा है लुब्रिकेशन सिस्टम, जैसे लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट है, सॉलिड लुब्रिकेंट है, तो इसके बारे में हम बारी बारी से हम जानेंगे। क्या है हमारा लुब्रिकेंट कहाँ रहता है, इंजन वाल्व कहाँ रहता है, हमारा सम्प में रहता है। सम्प से वाल्व पंप के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, पंप करते हैं और ये फिल्टर द्वारा होते हुए ये वाल्व गैलरी में जाता है और वाल्व गैलरी से क्या जाता है, वाल्व से होते हुए ये ऊपर वाल्व सभी भाग को सप्लाई करता है, क्रैंकशाफ्ट को सप्लाई करता है, क्रैंक पिन को सप्लाई करता है। तो लुब्रिकेंट, है ना, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो ये वाल्व पंप के द्वारा हम सभी लुब्रिकेंट सभी मूविंग पार्ट्स को क्या करते हैं, वाल्व सप्लाई करते हैं। पर्पस क्या है, लुब्रिकेंट वाल्व का उद्देश्य क्या है, ये क्या करता है, मूविंग पार्ट्स के वेयर एंड टियर को कम करता है। ये क्या, कुछ कुछ इंजनों में क्या होता है कि जब ये हमारा पिस्टन जब ऊपर जा रहा होता है तो क्या करता है, जेट बना हुआ है, वाल्व नोजल है वहाँ पे, वो क्या करता है, वो पिछाड़ी करता है और क्या होता है, वाल्व उसके वाल्व में जाता है और क्या होता है, वहाँ होता है। और क्या होता है, कुछ कुछ इंजन में जब पहले ज़्यादा जो पहले के जो इंजन है उसमें क्या है, वो क्रैंकशाफ्ट के नीचे जब क्रैंक पिन जब नीचे आता है क्रैंक डिफरेंस, तो उसमें एक स्क्रूप लगा हुआ है, वो क्या करता है, ये वायर सब के वायर से क्या होता है, उसमें डिप होता है, वो छपाक से क्या करता है, वाइल वो क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो क्या करता है, वाइल को ये स्प्लैश करता है, छपाक मारता है और क्या करता है, वो सिलेंडर वाल्व में वाइल का फिल्म चला जाता है। तो वाइल का क्या काम हुआ, ये करता है, ये वाइल फिल्म वाइल हेल्प्स टाइट सील बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर वाल्व।
सिलेंडर वाल्व और पिस्टन के बीच में क्या करता है, ये सीलिंग का भी काम करता है वाल्व में। तो ये कहाँ कहाँ इसका लुब्रिकेशन होता है, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग में इसका होता है, क्रैंक पिन में जाता है, ये कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड बिग बेयरिंग में जाता है, पिस्टन पिन बोसेस में जाता है, पिस्टन रिंग्स में जाता है, और वाल्व मैकेनिज्म में सभी कहाँ है लुब्रिकेंट, वो सभी जगह लुब्रिकेंट करता है, लुब्रिकेशन सभी जगह का होता है। नेक्स्ट ये लुब्रिकेंट कितने तरह का है, ये वाइट के रूप में भी है और ये ग्रीन के रूप में भी है, वाइट के रूप में है और ये ग्रीन के रूप में भी है, वाइट के रूप में जैसे इंजन वाल्व में हाँ क्या करते हैं, इंजन सब जो है उसमें हम क्या करते हैं वाइल डालते हैं, लेकिन जो हमारा ये है ग्रीस टिपल है ना, वहाँ से क्या करते हैं हम ग्रीस का ही प्रयोग करते हैं, जहाँ की मूविंग पार्ट्स है, जहाँ की हम है ना वो वाइल लुब्रिकेटिंग वाइल है वहाँ वो स्टे नहीं कर पा रहा, वहाँ हम क्या करते हैं ग्रीस का प्रयोग करते हैं। तो वाइल कितने तरह का है, वाइल जैसे एनिमल वाइल, ये एनिमल वाइल आप देखें ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, एनिमल वाइल होता है हमको सीड से मिलता है, फूड से और ट्री से मिलता है, एनिमल वाइल क्या होता है एनिमल वाइल, ये फैट से प्राप्त होता है, कास्टर वाइल, कास्टर वाइल, कास्टर वाइल अंडी को अंडी तेल को कहते हैं, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है और इसका फिल्म स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होता है। अब आइए मिनरल वाइल, मिनरल वाइल जो कि हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, ये है ना इसका ये अपेक्षा के सस्ता है और ये हमको बहुत आयत में प्राप्त होता है। दूसरा है सिंथेटिक लुब्रिकेंट, सिंथेटिक जिससे वह सिल्कन ब्लू, ये सब क्या है सिंथेटिक लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। ये इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसकी विस्कोसिटी अपेक्षा भी ज़्यादा होती है और पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट इंजन लुब्रिकेटिंग वाल्व, इसका पर्पस क्या है इसके बारे में जाने, आप इसका एक वीडियो देखिए, विभिन्न स्थानों पर ग्रीस के उद्देश्यों को देखिए, बल्गेरिया, पेरू, ग्रीस, जर्मनी, फाइव जॉन्स, इसे बैरिंग से बाहर निकलने से रोकती है, इसको उपयोग के लिए आसान बनाती है और इसे अच्छी सीलिंग प्रॉपर्टीज देती है। इंजन लुब्रिकेशन, इस वीडियो में इंजन लुब्रिकेशन का उद्देश्य दिखाया गया है। सिलेंडर, क्रैंकेस, इंजन पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट,
पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, लुब्रिकेशन सिस्टम अगर हीट को हटा देता है और इंजन को अधिक गर्म होने से रोकता है। क्रैंक केस में ऑयल पिस्टन और सिलेंडर वाल्व्स को लुब्रिकेट करता है। इंजन लुब्रिकेशन, इस वीडियो में इंजन लुब्रिकेशन का उद्देश्य दिखाया गया है। ये स्कूटर या टू स्ट्रोक इंजन है, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें इसके फ्यूल में ही 2-3% लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, आप देखेंगे जब ये एग्जॉस्ट इसका निकलता है तो आप देखेंगे इसका अपेक्षाकृत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो इसमें इसके साथ साथ हमारा इंजन ऑयल भी जलता है। इस तरह से क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में इसका क्या है कि धुआं ज़्यादा होता है और हमारा ये जो है एवरेज भी कम होता है, क्योंकि वो साथ साथ में वो भी जलता है, इंजन ऑयल भी जलते रहता है। इसमें क्या बार बार इंजन इंजन ऑयल इसमें डालता है, जितना बार हम पेट्रोल सिलेंडर डालेंगे इंजन को, एग्जॉस्ट को, ट्रांसफर को, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, लुब्रिकेशन सिस्टम अतिरिक्त हीट को हटा देता है और इंजन को अधिक गर्म होने से रोकता है। क्रैंक केस में ऑयल पिस्टन और सिलेंडर वाल्व्स को लुब्रिकेट करता है। सिलेंडर और पिस्टन लुब्रिकेशन, पिस्टन, ऑयल रिंग, सिलेंडर वॉल, कनेक्टिंग रॉड, कंप्रेशन रिंग, ऑयल, तापमान को कम करने के लिए इंजन की अत्यधिक गर्मी स्थितियों में ऑयल को सिलेंडर और सिलेंडर की दीवारों के ऊपर से पास किया जाता है। सिलेंडर वॉल पर लुब्रिकेशन को कंबशन गैसों से बचाने के लिए कवच के रूप में कार्य करना चाहिए और गैस को पिस्टन रिंग और क्रैंक केस के पास जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लुब्रिकेटेड ऑयल ऑयल रिंग के माध्यम से वापस ऑयल सम्प में आ जाता है। क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग लुब्रिकेशन, पंप से फिल्टर तक ऑयल, बेयरिंग तक जाती ऑयल लाइन्स के माध्यम से पहुंचता है। ऑयल पैसेज के माध्यम से ऑयल कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग्स तक जाता है। कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, पिस्टन, ऑयल सम्प, तेल,
और वो इंजन के भी। इस वीडियो में तरल वेहिकल में ग्रीस कैसे लगाया जाता है इसको दिखाया गया है। न्यूमेटिक ग्रीस एप्लीकेटर का उपयोग करके विपर के ऊपर और नीचे कवर पर ग्रीस को लगाएं। फ्रंट एक्सल पर एप्लीकेटर के माध्यम से ग्रीस को लगाने के बारे में दिखाया गया है। चेसिस लुब्रिकेशन। इस वीडियो में हैवी व्हीकल में ग्रीस कैसे लगाया जाता है इसको दिखाया गया है। न्यूमेटिक ग्रीस दिखाया गया है किस ढंग से है ना। हम यहाँ से इसी तरह ये हमारा ग्रीस टैंक है, यहाँ से ये डिलीवरी पाइप है। अगर हम यहाँ से इसको पंप करेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा और इसमें जो रखा हुआ ग्रीस है वो यहाँ तक जाएगा। किस तरह से जाए और जब यहाँ से मिसिंग होगा और दूसरे भाग से जब वो निकलने लगेगा तो हम समझेंगे कि ये ग्रीसिंग पूरी तरह हुआ। शुरू शुरू में क्या होगा वो ग्रीस जला हुआ है काला ग्रीस आएगा और जब देखेंगे वो फ्रेश केस जो नया ग्रीस है वो आने में शुरू किया तो समझेंगे कि हमारा है वो लुब्रिकेट अच्छी तरह से हो गया है। आगे देखिए एप्लीकेटर का उपयोग करके विपर के ऊपर और नीचे कवर पर ग्रीस को लगाएं। यहाँ देखिए जब है ना यहाँ पंप कर रहे हैं तो यहाँ से ग्रीस यहाँ पे ग्रीस नीचे आ रहा है इसका क्योंकि हमारा लुब्रिकेशन फ्रंट एक्सल एप्लीकेटर के माध्यम से ग्रीस को लगाने के बारे में दिखाया गया है।
मेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन की इस विधि में सक्शन स्ट्रोक के दौरान लुब्रिकेटिंग ऑयल पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है और इंजन सिलेंडर को भेज दिया जाता है। आशिक की ड्रॉपलेट्स इंजन सिलेंडर में लुब्रिकेटिंग प्रभाव का कारण बनती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल मिस के रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है। इंजन के कुछ हिस्सों जैसे पिस्टन, सिलेंडर वॉल्स और कनेक्टिंग रॉड भी पीछे छोड़ दिया गया और मिस के साथ लुब्रिकेट किया जाता है। लुब्रिकेशन की इस विधि का इस्तेमाल मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसे छोटे इंजनों में किया जाता है। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश लुब्रिकेटिंग के कार्य को दिखाया गया है। ऑयल पैन, तेल, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉक टू कनेक्टिंग रॉड के सबसे निचले हिस्से में एक स्क्रूट बनाया जाता है और ऑयल को ऑयल पैन में रखा जाता है। इसे वहां से क्रैंक के ऑयल शाफ्ट से पंप किया जाता है। जब भी वह बीडीसी की स्थिति से गुजरता है तो यह स्क्रूट सिलेंडर वॉल्व पिस्टन के निचले भाग पर ऑयल की स्प्लैश होने का कारण बनता है। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश लुब्रिकेटिंग के कार्य को दिखाया गया है। ऑयल पैन, तेल, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉक टू कनेक्टिंग रॉड के सबसे निचले हिस्से में कि मैं पहले बताया कि क्रैंकशाफ्ट में जब पिस्टन बीडीसी में आता है तो क्या होता है, इसके ये बना हुआ है इसको इसके ट्रंक वेज में क्या बना हुआ है, वेज बना हुआ है। ये क्या करता है, लुब्रिकेटिंग वाल्व को उसमें टच करता है और जब वो टच कर जाता है क्या करता है, हाई स्पीड से इसको छपाक मारता है। वो क्या होता है, इसके सहारे ये सिलेंडर वाल्व में जाता है जो को लुब्रिकेट करता है। एक स्क्रूट बनाया जाता है और ऑयल को ऑयल पैन में रखा जाता है। इसे वहां से क्रैंक के ऑयल शाफ्ट से पंप किया जाता है। जब भी वह बीडीसी की स्थिति से गुजरता है तो यह स्क्रूट सिलेंडर वॉल्व पिस्टन के निचले भाग पर ऑयल की स्प्लैश होने का कारण बनता है। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। इस वीडियो में हम ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं। ऑयल स्टोरेज टैंक में मौजूद ऑयल को ऑयल पंप की प्रेशर फीड साइड में ग्रेविटी फीड किया जाता है। ऑयल पंप इस ऑयल को ऑयल कूलर में भेजता है जो हीट एक्सचेंजर है। प्रेशर रिलीफ वाल्व इस सिस्टम में प्रेशर निरंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर पंप ऑयल को दबाव के अधीन इंजन के ऑयल पैसेजेस में भेजता है या इंजन के अंदर चलने वाले इंजन कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट करता है। अंत में अतिरिक्त ऑयल सम्प में जमा हो जाता है। यहाँ एक स्क्वायर इंजन पंप होता है जो सम्प ऑयल को निकालता है और इसे तेल फिल्टर में भेजता है। फिल्टर हुआ ऑयल स्टोरेज टैंक में एकत्र हो जाता है और यह ऑयल फिल्टरिंग और ठंडा करने के लिए बाहर निकाला जाता है। फिर दोबारा ब्लेयरिंग पर पंप किया जाता है।